अंग प्रदेश क्षेत्र में पहली बार हुआ ब्रेन हेमरेज का सफल ऑपरेशन। इससे पूर्व पटना और महानगरों में जाकर कराना पड़ता था इसका इलाज। ज्ञात हो कि मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को नित नई ऊंचाई चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जिसके लिए लोगों को पटना सहित अन्य बड़े महानगरों की ओर जाना पड़ता था तथा उन्हें भारी भरकम खर्च करनी पड़ती थी। लेकिन अब खुद किस्मती की बात यह है कि वैसी ही उत्तम चिकित्सीय व्यवस्था उन्हें मुंगेर के इमरजेंसी अस्पताल में मिल रही है। बताते चले कि इससे पूर्व भी मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल में घुटने का सफल ट्रांसप्लांट किया गया था तो दूसरी ओर एक मरीज को पेसमेकर भी लगाया गया था, जबकि इस बार ब्रेन हेमरेज के शिकार मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए मुंगेर इमरजेंसी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि लखीसराय के उमाकांत को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जो एम्स के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर एच कुमार के नेतृत्व में सफल ऑपरेशन किया गया है। देखिए, एक जो अंकित कुमार है जमालपुर के, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था और ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसका सबअर्कनॉइड हेमरेज था और एक्स्ट्रा डुरल ब्लीड भी था। तो ऐसे कंडीशंस में तुरंत ऑपरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अपना सुदूर क्षेत्र 250-250 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारे राजधानी से, पटना से, और ये सब ऑपरेशन की सुविधाएं पटना में ही हो पाती हैं। तो ऐसे कंडीशंस में मुझे ये बड़ा दिक्कत महसूस हो रहा था कि मैं एक ऐसे मरीज को, और यंग लड़का था, 22 साल उम्र था, कैसे बचाया जा सके। तो मेरी पूरी टीम और हम लोग सभी ने मेहनत किया और अपने न्यूरोसर्जन डॉक्टर एच कुमार जो थे एम्स में थे और पटना के बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन हैं, साथ में हमारे डॉक्टर नवीन जो हैं एनेस्थेटिक्स हैं, और मैं डॉक्टर हर्षवर्धन, साथ में और भी टीम में स्वतंत्र, विमल, प्रकाश, नीतीश, ये पूरी टीम हम लोग रेडी हुए और बहुत ही आग्रह पर डॉक्टर साहब तैयार हुए। तो हम लोगों ने इसका तुरंत ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी समझा और हम लोगों ने इसका लगभग सुबह 8 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट किया, जो कि ये अपने आप में एक अलग अनुभूति थी कि सुदूर क्षेत्र में न्यूरो सर्जरी सुनने में ही बड़ा अजीब सा लगता है या लोगों को विश्वास ही नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने इसको आज अंजाम दिया और कट टू कट हम लोगों ने 2 सर्जरी किया, एक तो अंकित कुमार जो थे और दूसरा एक मरीज और था जो ब्रेन हेमरेज हो गया था, उनका पूरा राइट हेमिस्फेयर में हेमरेज था, तो काफ़ी बहुत बड़ा क्लॉट था और जो कि बहुत मुश्किल से हम लोग सोच पाए थे कि बच पाएंगे। और ऐसे सर्जरी की संभावना मतलब हम लोगों को भी नहीं लग पा रहा था और आशा नहीं रख पा रहे थे कि ऐसा मरीज को हम लोग बचा पाएंगे, लेकिन उन्होंने सर्जरी किया और बहुत ही सफल सर्जरी रहा, मरीज होश में आ चुका है और दोनों ही सर्जरी को हम लोगों ने बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसके लिए मरीज के सभी परिजनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और पूरा मुंगेर जिले का, पूरे आंध्र प्रदेश का मुझ पर भरोसा कायम रखने में जो भी आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं फिर से सभी को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही नए आयाम का, जो जिस चीज़ के लिए हम लोग पटना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाते हैं, हर वो चीज़ मेरा जो सपना है कि मैं यहाँ मुंगेर वासी को दूं, उसमें अध्याय जोड़ने का प्रयास करता रहा। ब्रेन हेमरेज की सफल ऑपरेशन के बाद राहत की सांस लेते मरीज उमाकांत कुमार। मुंगेर से न्यूज 18 के लिए सिद्धांत राज।